हरपाल चीमा साहब, एक नीथेर साहब, ते तीजा अमन अरोड़ा साहब। ये गए कुलचा लैन दे कुलचे खान, उत्थे सी भीड़। ये आ गए सामने उहदे है एम के होटल, ये चले गए एम के होटल के अंदर, तो कहिंदे कमरा खोल दिओ। 29/9/2023 आ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उन्होंने नोटिस करता। हुण कौन है जी पोल्यूशन का मिनिस्टर? नीथेर साहब। छोले कुलचे खाण तो पहला तो ठीक सी, 20 कमरे डीसी ने कराए सी उस दिन ता भी ठीक सी, मगर इन्हां नू हरपाल चीमे नू नीथेर तो ते अमन अरोड़े तो मंग ले पैसे कमरे दे, ते उन्हां दे हो गया पोल्यूशन दी नाल दी नाल रेट ते चिट्ठी नोटिस करता। एक नोटिस अगला कटिया एक्साइज दा, वो महकमा की दा हरपाल चीमा साहब दा, कि वो नोटिस भी कटता। तीजा नोटिस कटता फूड डिपार्टमेंट ने कि तेरी क्वालिटी नहीं ठीक, और कमाल की गल है कि वो तो 15 दिन पहला ही हेल्थ डिपार्टमेंट फूड दे ने उन्होंने 5-star रेटिंग दिती सी कि थोड़ी एड्डी वधिया साफ संभाल। तुसी देख रहे हो डीफाई चैनल पंजाबी, ते मैं बलविंदर बिट्टू। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रमजीत सिंह मजीठिया लगातार पंजाब दे मुद्दों लैके पंजाब सरकार नूं घेरदे ने, ते हुण उहनां वल्लों पंजाब सरकार दे 3 मंत्रियां नूं घेरदे नज़र आए ने। मामला की अमृतसर दे विच एम के होटल दा मुद्दा सामने आ रहा है, जिथे कि 3 मंत्रियों वालों कुलचे खाधे जाते हैं, तो वह रूम जो बुक कराने जाते हैं तो उत्थे कोई गलबात होंगी है, तो जिदे चलद उन्होंने वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है बिक्रमजीत सिंह मजीठिया वालों, तो उन्होंने 3 मंत्रियों घेरते हुए की कुछ क्या थोड़ा सुना। एक कट्टर ईमानदारा की काम वेख लो, गए छोले कुलचे खान। छोले कुलचे तो तुम भी खाते होने, साढ़े बड़ा उत्थे मशहूर है जी श्री अमृतसर साहब, मगर ये बदलाव की सरकार का नवा ही रंग वेखन मिलया। सब तो पुराना होटल अमृतसर साहब का, एक अमृतसर इंटरनेशनल होंदा सी, उस तो बाद एम के बनया, तुसी तां जानदे हो महाराज, तुसी रहिंदे हो उत्थे। एम के होटल नू चलदिआं नू 25 साल दे लगभग हो गए, 25 सालां च तुसी ला लो किन्नियां सरकारां आईयां ते किन्नियां गईयां, मगर एक कट्टर ईमानदार दे पहली गल वेखी। और 3 वजीर, एक हरपाल चीमा साहब, एक नीथेर साहब, ते तीजा अमन अरोड़ा साहब, ये गए कुलचा लैन दे कुलचे खान, उत्थे सी भीड़। ये आ गए सामने उहदे है एम के होटल, ये चले गए एम के होटल के अंदर, तो कहिंदे कमरा खोल दिओ। जिहड़ा मालिक सी संजय गलोत्रा जी, वह बीमार ने, वह मैदानता च दाखिल सी। हुण मैनेजर नूं कोई कमरा लैन आऊगा, तुसीं जाओगे, कोई जाऊंगा, खासकर जिहड़े आपदे आप नूं आम आदमी कहिंदे आ, मैनूं उहनां दी नहीं समझ आई। उन्होंने कमरा मंगिया, उन्हें पुछ लिया क्यों रहना की रहना, जो नॉर्मल फॉरमैलिटी होंदी उहने किराया दसता 5500। मंत्रियों नूं चढ़ गया गुस्सा, कहिंदे कोई ना कमरा पैसे। एक बारी तां उन्होंने रौला रूला पाया कि तुहानूं नहीं पता मैं कौन हाँ। तिन्हां ने ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 5500 ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲਤਾ, ਮਗਰ ਈਗੋ ਇੰਨੀ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 14 ਆ 14 ਤਰੀਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਿਟ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬਾਹਰ ਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਬਾਹਰ ਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੋ। बचा ली, अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं बचेगी तो बाहर का इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा,
और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर तो आप ही लोग हैं। कोई अगर बाहर से इंडस्ट्री लगाने आएगा तो पहले तो आप ही से पूछेगा कि भाई साहब क्या माहौल है यहाँ पे, अच्छा माहौल है खराब माहौल है, मैं पैसा लगाऊं यहाँ पे? और आप कहोगे नहीं जी बहुत खराब माहौल है मत आना, तो कोई भी बाहर से पैसा नहीं आ सकता। तो एक भगवंत मान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, अब बस जी माहौल देखो कितना चंगा, छोले कुलचे खान तो दिगे वो खोलिया नहीं बेचारिया ने एमके आलिया ने उन्ना दे नाल केस तरीके दा तशद्दद आ पहला 29/9/2023 आ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दा उन्हां नू नोटिस कढ़ता। हुण कौन है जी पोल्यूशन दा मिनिस्टर? मीत ढेर साहब। नोटिस कढ़ता थले कहता कि अज ही बंद कर देना तेनू कि तेरी सारियां वायलेशन है। जेड़ा 25 साल तो चल रहा होटल छोले कुलचे खान तो पहला तो ठीक सी, 20 कमरे डीसी ने कराए सी उस दिन तां भी ठीक सी, मगर इन्हां नू हरपाल चीमे नू मीथेर तो ते अमन अरोड़े तो मंग ले पैसे कमरे दे ते उन्हां दे हो गया पोल्यूशन दी नाल रेड ते चिट्ठी नोटिस कढ़ता। और कमाल दी गल है कला वो नहीं कढ़िया, एक नोटिस अगला कढ़िया एक साइज दा वो महकमा की दा हरपाल चीमा साहब दा कि वो नोटिस भी कढ़ता। तीजा नोटिस कढ़ता फूड डिपार्टमेंट ने कि तेरी क्वालिटी नहीं ठीक। और कमाल दी गल है कि वो तो 15 दिन पहला ही हेल्थ डिपार्टमेंट फूड दे ने उन्हां नू 5-स्टार रेटिंग दित्ती सी कि थोड़ी एड्डी वधिया साफ संभाल है। आ एक कुलचे ना खोण ते चक्कर वेख लो की पैगा, कर लो पढ़ लो पूछ इच्छे कर लो इन्वेस्टमेंट पंजाब च, कहिंदा माहौल कहिंदा तुसीं दसोंगे। हुण भाई जे कोई आवे ना थोनू इन्हां मुफ्त च इन्हां नू चाह पानी खिला दिया करो पिला दिया करो, एडे भुखे ने एडे मतलब की इन्हां लई कहां कि इस तरीके का व्यवहार कर रहे। एंड समबडी हूज इन हॉस्पिटल, देखो कांग्रेस की सरकार रही है श्रोमणी अकाली दल की रही है, तुसीं इह गल्लां नहीं कदे सुन इस तरह की गल नहीं सुनी होनी कि एम के होटल वाले नूं इस तरह का स्टैप लेना पिया। अखीर च यह गए जी हाई कोर्ट, गए कोर्ट पंजाब अमृतसर कोर्ट, उत्थों जाके आ भी कागज मैं थोड़े नाल शेयर कर लैना। 3 तरीक नूं इन्हां नूं जसबीर सिंह जिहड़े सिविल जज साहब ने 3/10/23 नूं इन्हां नूं स्टे दिता बगैर नोटिस दे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 Channel ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ, ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ, D5 Channel ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ, ਅਬ D5 Channel ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ, D5 Channel ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 Channel ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।